पूछो रेडी चंद्रा की एक सफल लॉन्च की मैम तो हम पूछेंगे गुलकी जोशी उप मैडम सर से कि उनका जो मैडम सर है काफ़ी पॉपुलर शो था और लोग मतलब आपको ज़्यादातर उसी कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हैं, उसी कॉस्ट्यूम से लोग को पसंद करते, तो पहले आप उसके बारे में बताइए आपको कैसा लगा था जब वो पॉपुलर होने लगा, फेमस होने लगा। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मैडम सर का ऑडिशन दिया था, फिर मीटिंग्स हुई थी, फिर मुझे पूरी कहानी इन्होंने बताई थी और मुझे देख के लगा था कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है, ये बाकी टेलीविजन से इतना ज़्यादा अलग है कि इसका चलना एक बहुत बड़ा रिस्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चार लड़कियां हैं एक तो मेन, उसके अलावा चारों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, नोबडी इज़ क्राइंग, नोबडी हैज़ अ सास बहू ड्रामा, नोबडी हैज़ टीयर्स इन द आइज़ ऑल द टाइम, कोई बेचारी लाचार औरत की कहानी नहीं है, चारों बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर से हम हर एपिसोड हर कहानी में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो ये इतना प्रोग्रेसिव शो और इतना डिफरेंट शो पता नहीं चलेगा कि नहीं। और जब चलने लगा और जब लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, जब टीआरपी बढ़ने लगी, जब फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, व्हेन पीपल स्टार्टेड लविंग द शो, आई थिंक वी वर ओवर द मून, वी वर सो हैप्पी एंड सो प्राउड दैट आई रिमेंबर एक 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 खुशी की एक लहर होती थी हमेशा सेट पर, क्योंकि आप ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करते हैं, बट वंस इन अ वाइल कम्स अ शो दैट प्रमोट्स द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मैडम सर वाज अ शो लाइक दैट, सो आई थिंक ऑल ऑफ अस फॉर द एंटायर टीम इज वेरी प्राउड। तो अगर बात करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप जल्दी कुछ थिएटर पे कुछ नया प्ले करने वाले, तो उसके बारे में हमें बताइए। अनाउंसमेंट इज दैट आई एम डूइंग अ प्ले, इट इज माय फर्स्ट लव, आई ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं हर प्रोजेक्ट के बीच में एक प्ले थिएटर करने का जो है वक्त निकाल पाऊँ और वो कर पाऊँ, बिकॉज एज एन एक्टर आई ऑल्सो प्रमोट दिस थिएटर, आई फील दिस इज अ डाइंग कल्चर एंड आई थिंक इट्स आवर जनरेशन दैट नीड्स टू रिवाइव इट, रिवैम्प इट एंड मेक इट बिगर। सो आई एम डूइंग अ प्ले, एक बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ अ वेरी हॉइटी टॉइटी अभी इंसानी गर्ल, इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया भी नहीं, मेरे पास इसे जहनी जमीन से जुड़े हुए रोल किए हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये इतना क्यूट सा कैरेक्टर करने में। एंड द फर्स्ट शो इज़ ऑन 27th of August इन बॉम्बे इन बालगंधर्व, सो व्होएवर इज इन बॉम्बे प्लीज डू कम एंड वॉच, आई एम डूइंग प्ले आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई विल नीड एवरीबॉडी सपोर्ट because I am a little nervous about it and I need all the love and support. Gulki Jo usme kya character hone wala hai aapka, thoda hamare darshakon ko bataiye kuch thoda sa hint. Mera chehra dekh ke mujhe badi khushi ho jati hai, tum kitne cute ho. ye bada cute sa role hai, Avni naam hai is ladki ka, जो ऐसे बिल्कुल अमीर घर की ऐसी बड़ी हॉइटी टॉइटी सी ऐसी अमीर ज़्यादा लड़की है, अच्छी लड़की है, ख़राब लड़की नहीं है, बट बस ऐसा है कि ये दुनिया मेरे लिए है और ये सब मेरे लिए है, और उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ एकदम ऑपोजिट पर्सनैलिटी का लड़का आता है एंड दैट्स द होल, और फिर कैसे होता है उनको प्यार होता है नहीं होता है, उनके बीच का रोमांस कॉमेडी, सो इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड फैमिली वॉचिंग उससे अलग ही कैरेक्टर मिला, तो जब आपको कैरेक्टर पता चला तो आपको कैसा लगा? मुझे कैरेक्टर सुन के ही बहुत मजा आया क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अलग yes. था, मैं जो कर चुकी हूँ उससे अलग था, मैंने इस तरह का रोल कभी किया नहीं है, तो मुझे वही सुन के बहुत चैलेंजिंग लगा कि खुद को अब हसीना मलिक से निकाल के इस कैरेक्टर में ढलना इज अ डिफरेंट प्रोसेस, सो दैट्स द रीजन आई एम डूइंग इट एंड या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसा कि आपने अभी बोला था कि जो थिएटर आर्टिस्ट शो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है और अभी ओटीटी वेब सीरीज आ गया, इसके वजह से लोग
ज़्यादातर उधर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन थिएटर में कम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आप वो आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे जो अभी तक थिएटर प्ले करते हैं और काफ़ी लोग हैं जिनका लाइफ भी उधर ही रह गया है थिएटर में? आई फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द पीपल हु आर डूइंग थिएटर वेरी सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम, यू गाइस आर द वन हु आर होल्डिंग द फोर्ट डाउन। सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है OTT है, टेलीविजन है, फिल्म्स है, सब कुछ है, वो थिएटर का अपना मज़ा है यार, उसका एक अलग नशा है, उसका एक अलग उसकी एक अलग एनर्जी है। व्हेन यू गो इन अ थिएटर हॉल एंड वॉच पीपल परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, वो एक अलग एनर्जी एक्सचेंज है, वेदर यू आर सिटिंग इन द ऑडियंस और वेदर यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। जो कैमरा के सामने आके वो कम्प्लीटली चीज़ बदल जाती है। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड ने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि अब सबको जो है, अब सब जैसे होता है ना कि 3 साल सब घर में बंद थे, अब सबको बाहर निकलना है। सो एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो आउट, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो आउट विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स। तो आप कितना जाओगे फिल्में देखने, आप कितना जाओगे मॉल घूमने, आप कितना जाओगे बाहर खाना खाने, आओ थिएटर आओ, प्ले देखने आओ, सपोर्ट इट। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कल्चर एंड थिएटर शुड बी सपोर्टेड, इट शुड बी केप्ट अलाइव। आप अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू, इट्स अ लव विच इज माई बैकबोन, इट इज माई स्पाइनल कॉर्ड, आई लव यू सो मच एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई सेल्फ, वेदर इट इज माई हेयर, वेदर इट इज माई वर्क, वेदर इट इज वट एवर इट इज, बिकॉज आई नो दैट यू गाइज लव मी एंड सो कीप लविंग मी बिकॉज आई लव यू वे मोर। थैंक यू।